29 दिसंबर को होगा पारा शिक्षकों का जुटान। मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास पर हुई बैठक। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान की नियमावली लागू करने में हो रही देरी से शिक्षक नाराज। मंत्री ने दिया आश्वासन, 29 दिसंबर को होगी इस बात की घोषणा। 15 नवंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित। 29 दिसंबर को होगा पारा शिक्षकों का जुटान। सरकार को अंतिम अवसर, 29 दिसंबर को फूल माला के साथ पहुंचेंगे मोराबादी। 13 नवंबर को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो के बुलावे पर उनके आवास पहुंचा। शिष्टमंडल के साथ माननीय मंत्री जी की वार्ता हुई। पारा शिक्षकों के स्थायीकरण, वेतनमान की नियमावली लागू करने में हो रही देरी पर शिष्टमंडल ने नाराजगी जाहिर की। माननीय मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया कि 29 दिसंबर 2021 को पारा शिक्षकों की नियमावली लागू करने की घोषणा हो जाएगी। किसी भी कीमत पर इस बार नियमावली लागू होगी। 29 दिसंबर के पूर्व ही विधि, वित्त एवं कैबिनेट से मंजूरी का कोरम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही 15 नवंबर को मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों के मुद्दे पर अपनी बात भी रखेंगे। बातचीत के क्रम में यह भी तय हुआ है कि सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का परीक्षा के परिणाम के पूर्व तत्काल प्रभाव से मानदेय बढ़ेगा। सरकारी शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों के 50% आरक्षण हटाने के मामले में शिष्टमंडल द्वारा की गई आपत्ति पर मंत्री जी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आरक्षण नहीं हटेगा। अतः एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की राज्य कमेटी ये निर्णय करती है कि 15 नवंबर का कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।